बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम टाइप ऑफ मैट्रिसेस की मज़ीद टाइप के बारे में बात करेंगे। अगली टाइप है हमारे पास आइडमपोटेंट मैट्रिक्स। आइडमपोटेंट मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है कि जब आप ए स्क्वायर जो है वो आपका ए के बराबर आ जाए तो इसको हम लोग बोलते हैं आइडमपोटेंट मैट्रिक्स। मतलब ए मल्टीप्लाई बाई ए इज़ इक्वल टू ए अगर हो जाए तो इसको हम लोग कहते हैं आइडमपोटेंट मैट्रिक्स। आइडमपोटेंट मैट्रिक्स को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। एक मैट्रिक्स हमने लिया ए और हमने इसको स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर करने का मतलब ये होता है बच्चों कि आपने ए को ए से मल्टीप्लाई किया, ये भी ए है और ये भी ए है, तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या होगा, आइडमपोटेंट में चला जाएगा। अब मल्टीप्लाई करने के असूल क्या होते हैं वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, टू को उसने टू से मल्टीप्लाई किया तो टू टू ज़ा फोर पहला एलिमेंट आ गया। इसी तरीके से अगला एलिमेंट जो मल्टीप्लाई होगा वो होगा माइनस वन से, तो माइनस माइनस प्लस हो गया तो ये प्लस का टू हो गया। इसी तरह माइनस फोर फिर वन से होगा तो ये माइनस फोर हो गया। तो पहला नंबर तो इस तरीके से आया। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो फोर प्लस सिक्स माइनस फोर यानी कि टू आ जाएगा। सेम तरीके से दोबारा से मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। अब अगला हमारे पास क्या होगा, अगले को भी हमने इसी तरीके से किया। अब अगली रॉ सेम रहेगी, कॉलम चेंज आएगा, मतलब इसको इससे करेंगे, इसको इससे करेंगे और इसको इससे करेंगे। तो टू को माइनस टू से करेंगे माइनस फोर, माइनस टू को थ्री से करेंगे माइनस सिक्स और माइनस फोर को माइनस टू से करेंगे तो प्लस एट। तो एट में से फोर जाएगा फोर, फोर में से सिक्स जाएगा माइनस टू, तो ये हमारे पास आ गया माइनस टू। एंड देन फिर फर्दर रॉ सेम रहेगी, कॉलम को चेंज करेंगे, टू इंटू माइनस फोर माइनस टू इंटू फोर माइनस फोर इंटू थ्री, तो क्या हो जाएगा, टू इंटू माइनस फोर माइनस एट, माइनस टू इंटू फोर माइनस एट और माइनस फोर इंटू माइनस थ्री प्लस ट्वेल्व। तो ट्वेल्व में से एट निकालोगे फोर, फोर में से एट निकालोगे माइनस फोर, ये आ गया। इसी तरीके से हम फर्दर अगली रॉ में जाएंगे, तो अगली रॉ में जाने के बाद सेम काम होगा, मतलब ये रॉ, ये वाली जो रॉ है इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। कैसे, माइनस वन इंटू टू, थ्री इंटू माइनस वन माइनस थ्री, फोर इंटू वन प्लस फोर। एंड देन फिर फर्दर इससे होगा, माइनस वन इंटू माइनस टू प्लस टू हो गया, थ्री इंटू थ्री नाइन हो गया, फोर इंटू माइनस टू माइनस एट हो गया। देन फर्दर अब ये रॉ रहेगी, कॉलम चेंज हो जाएगा, माइनस वन इंटू माइनस फोर प्लस फोर, थ्री इंटू फोर ट्वेल्व, फोर इंटू माइनस थ्री माइनस ट्वेल्व। उम्मीद आपको बात समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट हमारे पास, अब हमारे पास ये वाली रॉ, ये वाला कॉलम, फिर ये वाला कॉलम, फिर ये वाला कॉलम। तो वन इंटू टू टू हो गया, माइनस टू इंटू माइनस वन प्लस टू हो गया, माइनस थ्री इंटू वन माइनस थ्री हो गया, वन इंटू माइनस टू हो गया, माइनस टू को थ्री से करेंगे माइनस सिक्स हो गया, माइनस थ्री को माइनस टू से करेंगे प्लस सिक्स हो गया। देन फिर फर्दर इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास बनता हुआ नज़र आएगा। तो इसी तरीके से जब हम इसको पूरा सॉल्व कर रहे हैं तो ये हमारे पास बराबर आ जाते हैं ए के, तो इस वजह से हम लोग इसको बोलते हैं आइडमपोटेंट मैट्रिक्स। तो आइडमपोटेंट का मतलब होता है ए को ए से मल्टीप्लाई करो, जो मैट्रिक्स है उसको अपने आप से मल्टीप्लाई करने पर अगर वो वैल्यू आ जाती है तो हम उसको आइडमपोटेंट कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इनवॉलेंट्री। इनवॉलेंट्री का हिसाब किताब ये होता है कि अगर आप ए स्क्वायर को ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे और अगर वो आई के बराबर आ गया तो हम इसको कहते हैं कि भाई ये कौन सा मैट्रिक्स है, इनवॉलेंट्री है। तो यही चीज़ हम अब आगे जाके क्वेश्चन में देखते हैं। तो क्वेश्चन हमसे कहता है कि आइडेंटिफाई इट इज़ आइडमपोटेंट और इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स। तो बच्चों देखें, सबसे पहले हमने यहाँ पर किया ए इज़ इक्वल टू माइनस फाइव थ्री वन माइनस एट फाइव टू ज़ीरो ज़ीरो माइनस वन। अब मैं अगर इसको मल्टीप्लाई कराऊंगा तो a इंटू ए करूंगा मैं, क्योंकि दोनों के लिए a इंटू ए करना ज़रूरी है। तो अब क्या करेंगे हम, अब यहाँ पे ये वाली रॉ होगी और ये वाला क्या होगा, कॉलम होगा। तो मैं आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करके दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से हम मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करेंगे। तो माइनस फाइव को जब आप माइनस फाइव से करेंगे तो ये प्लस ट्वेंटी फाइव हो गया, माइनस एट को थ्री से करेंगे माइनस ट्वेंटी फोर हो गया, और ज़ीरो को वन से करेंगे तो ये ज़ीरो हो गया, पहला एलिमेंट हो गया। उसके बाद माइनस फाइव को माइनस एट से करेंगे प्लस फोर्टी हो गया, माइनस एट को फाइव से करेंगे तो माइनस फोर्टी हो गया। इसी तरीके से हमारे पास ज़ीरो को टू से करेंगे तो क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। अगले रॉ के लिए सेम रॉ सेम रहेगी, कॉलम चेंज होगा, माइनस फाइव इंटू ज़ीरो ज़ीरो हो गया, माइनस एट इंटू ज़ीरो ज़ीरो हो गया, और फिर ज़ीरो को माइनस वन से करेंगे तो ये भी ज़ीरो हो गया। तो हमारे पास नेक्स्ट, अब रॉ में चलते हैं हम, ये हमारे पास जितनी भी कहानी है इसको हम हटा देते हैं यहाँ से।
अगले रॉ के लिए यहाँ से ये मार्कर ले लेते हैं। अब ये वाली रॉ और पहले ये वाला कॉलम, तो अगर हम यहाँ से करते हैं इसको तो क्या हो जाएगा हमारे पास, 3 5 -15 हो जाएगा, उसके बाद 5 3 15 हो जाएगा, उसके बाद 0 1 0, 3 5 15, 5 3 15, 0 1 0, 3 8 क्या होगा -24, 5 5 क्या होगा 25, और 0 × 2 0 हो जाएगा। फिर यही रहो ये वाला कॉलम, 3 × 0 0 हो जाएगा, 5 × 0 भी 0 हो जाएगा, और 0 × 0 भी 0 हो जाएगा। नेक्स्ट, अब इस वाले रॉ की बारी है, तो 1 × -5 -5 हो गया, 2 3 क्या हो गया 6 हो गया, और -1 को 1 से करेंगे तो -1 हो गया। देन अब ये वाली रॉ थी, ये वाला कॉलम हुआ, अब अगले इस वाले कॉलम के ऊपर जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा आपके पास -8, फिर हो जाएगा 2 5 10, और फिर -2, देन फिर 1 1 0 0 हो जाएगा, फिर 2 को 0 से करेंगे ये भी 0 हो जाएगा, -1 को -1 से करेंगे तो ये +1 हो जाएगा। तो बच्चों कैलकुलेशन करते हैं, 1 आ गया, ये कैंसिल, 0 आ गया, आगे भी 0 है, ये भी कैंसिल, 0 आ गया, 25 में से 24, 1 आ गया, अगेन 0 आ गया, -5 -1 -6 +6 ये भी 0, तो -8 -2 ये भी 0, और फिर आपके पास ये 1 आ गया। तो इसका मतलब जो ए स्क्वायर है वो हमारे पास आई के बराबर आ गया। तो ये जो मैट्रिक्स है ये कौन सा मैट्रिक्स हो गया, इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स हो गया बच्चों। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, इसमें हमने एक सवाल डिस्कस किया और फिर इसकी फर्दर टाइप को डिस्कस किया हमने। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जज़ाकअल्लाह, थैंक यू। हाँ भाई, वीडियो देख ली, नोट्स बना लिए, अब इस टॉपिक और बाकी टॉपिक्स, पास पेपर्स, इन सब चीजों के एमसीक्यूज के लिए फौरन छा जाओ ऐप डाउनलोड करो, जल्दी करो और छा जाओ।